मधुबनी के बैनीपट्टी में पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश की मेडिकल माफियाओं द्वारा अपहरण के बाद हत्या के खिलाफ अविनाश को मुख्य अग्नि देने वाले बड़े भाई त्रिलोक झा उतरी पहनकर बेनीपट्टी की सड़कों पर उतर गए। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए। प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। त्रिलोक झा के अचानक सड़क पर उतरते ही इलाके के लोग उमड़ पड़े। बैनीपट्टी के तमाम चौक चौराहों को लोगों ने जाम कर दिया। दरअसल अविनाश के हत्या के खिलाफ हुए प्रतिकार मार्च और धरना प्रदर्शन के 72 घंटे के अंदर सभी संलिप्त अपराधियों नामजदों की गिरफ्तारी की मांग सहित कुल 7 मांग की गई थी, लेकिन 72 घंटे पूरे होने के बाद भी मांगों पर अमल नहीं होने के कारण लोगों का आक्रोश उबल पड़ा। इस दौरान करीब 1 घंटे तमाम सड़कों को बंद होने के बाद उतरी पहने त्रिलोक झा हुजूम के साथ बैनीपट्टी थाना के गेट पर धरना पर बैठ गए, जिसके कारण थाने के सामने काफी भीड़ जुट गई। पुलिस बल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए थाने के गेट पर तैनात दिखी, लेकिन जन आक्रोश को देखते हुए पुलिस संयम बरतती रही। किशोर सर मोहम्मदपुर कांड हुआ, 40 नामजद हुआ, तुरंत गिरफ्तार हो गया। यहाँ पे जितने फर्जी क्लिनिक है सबको उठाइए ना, मैं नाम देता हूँ। डॉक्टर संतोष ने इसको धमकी दिया था, उस टाइम इसकी सर दे रहा हूँ। दामुदगार ने इसको धमकी दिया था, मैं ये दे रहा हूँ। गिरफ्तार करेंगे, फिर जाँच कीजिए। मनोज भैया, मनोज भैया, मुझे कुछ साक्ष जुटाने दीजिए, उसके बाद हम सब चीज करेंगे। हम बोल विश्वास करते हैं कि नहीं, फिर एक चीज बताइए, विश्वास करते हैं कि नहीं? विश्वास है सर, विश्वास कर रहे हैं। एक बात किशोर साहब, अगर भी विश्वास नहीं रहता तो आपको कहना मैं कहना मिला के बेटा आपको साथ में जिले का काम किया है। कभी भी आपके आश्वासन से हम लोग दूसरा बात नहीं, आप लोग जो बोले उसमें हम समय से बैठा हुआ। आप बता दीजिए, आप भी देखे हैं, आप किल्ली खोल खोल के किल्ली चला रहा है। आप देखे हैं उस दिन से 2 घंटा भी सही से मैंने हम लोग नहीं सोए हैं, समझ रहे हैं ना। जहाँ तक कार्रवाई हुआ, कार्रवाई किए भी, और आगे हम साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये मैं कर रहा हूँ। मधुबनी से किशोर कुमार की रिपोर्ट।